ठीक है जैसे है। ये है ओरिजिनल रुद्राक्ष। सच में बहुत ठंडा है, बहुत ठंडा पानी है। सुनील भाई के देखो क्या हाल हो गए हैं। सांस आ रही है मालिक? सही से नहीं आ रही। सही से नहीं आ रही है, तेज आ रही है। ऑक्सीजन लेवल कम होता जाता है जैसे जैसे। तो आप उन्मेष आ रहे हो तो देख लो। नमस्ते, जय शंकर महाराज। तो आज है 5 सितंबर और आज मैं जा रहा हूँ मणि महेश कैलाश पर्वत की यात्रा के लिए। तो शाम के बज चुके हैं 5 और अभी मैं यहाँ से करनाल सेक्टर 6 वाले हाईवे से बस पकड़ूँगा चंडीगढ़ के लिए, और चंडीगढ़ से फिर वहाँ से चंबा के लिए रात को बस है। तो जो भी होगा आगे सफ़र में दिखाएंगे आपको। जय शंकर महाराज। अब 8:20 हो गए हैं और मैं चंडीगढ़ पहुंच चुका हूं। अब यहां से मैं सेक्टर 17 उतरा हूं चंडीगढ़ की, और अब यहां से मुझे सेक्टर 43 की बस लेनी है। तो वहां से मुझे हिमाचल की बस मिलेगी हिमाचल जाने के लिए। तो चलते हैं आगे। ISBT 43 सेक्टर चंडीगढ़ गए। यहाँ से अब बस देखेंगे चंबा की, हिमाचल प्रदेश की बसेस कहाँ लगी है, टिकट लेंगे और फिर चलेंगे। अब मेरा सफ़र यहाँ से पूरी रात का सफ़र है और मैं सुबह 6 बजे शायद हिमाचल प्रदेश चंबा पहुँचूँगा। तो भूख भी लग रही है, थोड़ा सा कुछ खाने का ले लेते हैं, रास्ते में खा लेंगे और फिर जो प्रॉपर ब्रेकफास्ट है वो कल सुबह करेंगे। ये एक केक लिया है रात के लिए, और मेरे बैग में काफ़ी सारी कैंडीज पड़ी है, चॉकलेट्स पड़ी है, वो मैं खाऊंगा। तो रात तो इसी के सहारे काटनी पड़ेगी। फाइनली गाइस हम चंबा पहुंच गए हैं। अपने दोस्त मेरा बचपन का दोस्त आकाश के पास। हेलो भाई, कैसे हो? हेलो भाई। तो ये हमारे कुछ फ्रेंड्स मिले हैं यहाँ। अब हम यहाँ से चलेंगे आगे। चले फिर, चलो चलो। जय शंकर महाराज। जय शंकर महाराज। तेरे रास्ते पे मैं तो आंख बूंद के चला, तेरे नाम की ज्योत ने सारा हर लिया था मस मेरा। Look at the view guys, amazing. ये है रावी नदी हिमाचल प्रदेश की, जिसके बारे में हमने किताबों में भी पढ़ा है, और हिमाचल वाले इसकी पूजा भी करते हैं इस पूरी नदी की। और ये सारा पानी ग्लेशियर से होते हुए आ रहा है। सो गाइस फाइनली हम चंबा पहुंच गए हैं। Yeah
गाइस अपना बग्गा डैम। ये गाइस बग्गा डैम है अपना, बग्गा डैम। तो भाई लोग एक्साइटेड हो? बिल्कुल फुल पावर। कहाँ पहुँच शंकर, कहाँ पहुँच गए हम? हम पहुँच गए धरवाला के पास भाई लोग। गाइस देखो पहाड़, चारों तरफ पहाड़ और हम इसके नीचे। अब ये आकाश आपको डांस करके दिखाएगा उनके बीच में। चलो यहाँ पे मणि महेश की यात्रा में लंगर फ्री में निःशुल्क लंगर स्टार्ट किया, सभी कुछ फ्री में प्रोवाइड किया जा रहा है यहाँ पे। बम बम बोले, मेरी चाय, मेरे बिस्किट और ये व्यू। केव्स है, केव। पानी की आवाज़ आ रही है आपको? तो यहाँ पे अभी हम उनके जो आर्टिफिशियल जो मणि महेश ऊपर है, सेम ऐसा ही आर्टिफिशियल यहाँ नीचे बनाया हुआ है, तो मैं आपको दिखाता हूँ उनका लेक जो स्टार्टिंग में आता है, देन ऊपर। ये हैं हमारे महादेव जी, तो यही पर्वत है जो ऊपर है महादेव का, और ये महादेव जी हैं और इसी के दर्शन करने हम ऊपर जा रहे हैं इसी पर्वत के। तो ये है वो मणि महेश कैलाश पर्वत। जय शंकर महाराज। हमारे शिवलिंग नंदी महाराज और एक पुजारी ने मुझे प्रसाद दिया। ये क्या सीढ़ी है, बहुत। ये हमारे इंस्ट्रक्टर और गाइड और ड्राइवर आल्सो एंड ब्रदर आल्सो, ये हमारे को सारा गाइड कर रहे हैं कहाँ क्या है कहाँ क्या नहीं। हम भरमाणी माता के मंदिर में दर्शन करके कहते हैं कि भाई जिसने मणि महेश की यात्रा करनी होती है उसे भरमाणी माता के मंदिर में पहले दर्शन करना ज़रूरी होता है, अदरवाइज उनकी यात्रा सफल नहीं होती। और जो मैं अब आपको दिखाने जा रहा हूँ ना, बहुत ही नेक्स्ट लेवल चीज़ है ये। सो ये देखो, व्यू देखो गाइस, और ये देखो स्नो ऊपर वाइट वाइट दिख रहा होगा इतनी आप। ये ऊपर भी स्नो स्नोफॉल हुई पड़ी है वहाँ पर, और अमेजिंग। जय शंकर महाराज। पहाड़ों के ऊपर जंगल के पास, देखो कौन तुम्हारे शहर आया यार। सुनील दासी के घर आया यार। जय शंकर भाई। अब ठंड लगी ना तगड़ी वाली है, पानी बहुत ठंडा होता है, ठंडा होता है। तो यहाँ पे दर्शन करके स्नान करके फिर हम मणि महेश की यात्रा के लिए निकलेंगे। तो गाइस यहाँ एक ये छोटा सा कुंड है जिसमें हमें स्नान करना पड़ता है, इस कुंड में स्नान करके हम अपनी यात्रा शुरू करेंगे आगे। पानी कह रहे हैं इसका बहुत ही ज़्यादा ठंडा है। बोले जी इतना ठंडा, इतना ठंडा पानी कौन करता है, बहुत ठंडा पानी है, सहन भी नहीं हो रहा है, इतना ठंडा पानी है, ग्लेशियर से आ रहा है बिल्कुल ठंडा। आज तक लाइफ में मैं इतने ठंडे पानी से नहीं नहाया, ये पता नहीं कैसे नहा रहा है।
जय शंकर भाई जी। तो अब हम नहा लिए हैं और अब हम माता के मंदिर के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। ये है ब्रह्मानी माता मंदिर, जिनके दर्शन हमने कर लिए हैं। ये लड़का मिला है हमें जो शंकर बना बेटा है, अच्छा लग रहा है काफी। ब्रह्मानी माता के मंदिर से उतरते हुए हम लंगर कर रहे हैं। लंगर में देखो ये बिल्कुल फ्री है, इसका कोई कॉस्ट नहीं है। गरम गरम रोटी, जीरो कॉस्ट। शंकर की नगरी में सभी आओ। गाइज आपने सेब तो खाए होंगे, तो आज मैं तुम्हें उसका पेड़ ही दिखा रहा हूँ। ये रे सेब, यहाँ पे बहुत सारे सेब लगे हैं। चलो भाई सेब खाने हैं, तुम्हारे तो घर पे लगे होंगे है ना। चलो एक दो पेटी भिजवा देना मेरे लिए। वो बैठे हैं हमारे महादेव ऊपर, दिख रहा हो तो। तो हमने अपनी यात्रा स्टार्ट कर दी है, सभी भाई रेडी हो गए हैं। चार भाई लोग जा रहे हैं, आकाश, ये भाई एंड मी, हम चारों जा रहे हैं। यात्रा स्टार्ट होगी और हमारे फ़ोन दो दिन तक बंद रहेंगे, ऊपर रेंज नहीं आती है। तो व्लॉग में बने रहो, बाकी और भी दिखाएंगे यात्रा में जो जो होता है। जय शंकर महाराज। भाई लोग शंकर जी की नगरी में किसी चीज़ की कमी नहीं मिलेगी और कुछ पैसा नहीं लिया जाएगा। अभी देखते जाओ आपको क्या क्या दिखाता हूँ मैं। हमने यात्रा स्टार्ट कर दी है और लगभग हमारी जो एक्सपेक्टेशन है रात को 1 या 2 बजे तक हम पूरी ऊपर पहुँच जाएँ पर्वत पे, जहाँ पे हमें जाना है, और वहाँ पे हम स्टे लेकर नेक्स्ट डे मॉर्निंग हम दर्शन करेंगे भोलेनाथ जी के, मणि महेश जी के दर्शन। तो गाइस यहाँ से हमारी यात्रा जो है शुरू हो रही है। ये सारा ट्रैक ऊपर जाना है हमें इसी ट्रैक से। तो भोलेनाथ शक्ति देना, जय शंकर महाराज। ऊपर चढ़ने के लिए आ जाओ भाई लोग, आ जाओ। तो गाइस यहाँ से हमारी यात्रा 13 किलोमीटर की है, ऐसे ही पहाड़ों पे। और ये देखो राइट साइड खाई है, चल रहे हैं हम। एक बाबा जी मिले मुझे, उन्होंने मेरी ये तिलक और ये त्रिशूल बनाया और थोड़ी सी ब्लेसिंग्स दी है, मुझे अच्छा लगा, मन को थोड़ी सी अच्छी शांति से मिली। जो उन्होंने बातें कही, कुछ बातें बोली अच्छी अच्छी, दिल खुश हो गया। तो हमारी यात्रा शुरू हो गई है, अभी और दिखाएंगे। खाई है राम राम से जाना पड़ेगा। ये देख सकते हो आप, ये लोहे का पुल बना रखा है इन्होंने जोड़ जोड़ के। यहाँ पे चट्टाने पहले मतलब यहाँ पे थी और वो लैंडस्लाइड वगैरह की वजह से टूट गई होगी, तो इन्होंने ऐसा बना दिया। और नीचे आप देखो गाड़ियाँ कैसे लगी हुई है। तो जय शंकर महाराज। ऐसे ही है रास्ता, थोड़ा सा दुर्लभ हो सकता है, खतरनाक हो सकता है, बट हम नहीं मानेंगे। देखो ये ऊपर ग्लेशियर है जो मैंने आपको पहले भी दिखाया, और वहीं का पानी यहाँ से पिघल कर ये देखो
ये प्रॉपर नदी की शेप बना रहा है। और हमें वहाँ जा रहे हैं जहाँ ग्लेशियर है। जय हो महाकाल, जय मेरे भोले शंकर, जय शंकर महाराज। हम आ रहे हैं यहाँ आपकी शरण में। थोड़े से ही चले अभी, और अभी से ही थकना स्टार्ट हो गया। राम से राम से राम से राम से राम से। ओए 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 ओए, पैर नहीं रुक रहे। तो आप जन्माष्टमी के आसपास आ रहे हो, मतलब जब भी आ रहे हो आपको रजिस्ट्रेशन करानी पड़ेगी यहाँ पे। बिना रजिस्ट्रेशन के आपको जाने नहीं देंगे। तो प्रिपेयर हो क्या, आधार कार्ड वगैरह लेकर आओ, कोई आईडी प्रूफ लेकर आओ, फिर ये रजिस्ट्रेशन करेंगे, फिर आपको ये ऊपर जाने देंगे पास बना के। तो गाइज ऐसी आपकी रजिस्ट्रेशन होगी मनी 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 में ही से यात्रा की। ये मे भी शायद इसलिए किया जा रहा है पंजीकरण, इसलिए किया जा रहा है ताकि इनको कितनी पॉपुलेशन ऊपर गई है पता, इनको कुछ हो जाएगा तो मेरे पे बिल आएगा इसलिए। कुछ नहीं होता किसी, महादेव हमारे साथ है। जय शंकर, आप सभी आप दिल खोल के आए। हाँ, कुछ नहीं होता किसी। जय शंकर। सुनील दास जी देखो नाग को गले में पहना जा रहे हैं। जय बोल, जय शंकर। ऐसे पढ़ो, ऐसे लेते ऐसे पकड़ो, ऐसे रखो, ऐसे जाओ। डर तो लगता है ना, क्या बोलते हो? जय शंकर महाराज। एक मिनट, हाथ 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 करो, ऐसे ऐसे पढ़ो। नहीं 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 नहीं, ऐसे ऐसे ऐसे, हां ऐसे काट भाई, काट दे काट दे। आप गाइस कौन सा सांप है आज का? एक क्वेश्चन है यार, कोटिया वाला सांप हो गई अच्छे जा रहा है। ऐसे जहां पर प्यार से पढ़ो। ओए ओए भाई, क्वेश्चन नहीं यार, ऐसे पढ़ो भाई, ऐसे थोड़ा डराओ लड़के को, ज्यादा पंगे नहीं लेने, ठीक है जैसे है। जय शंकर महाराज, जय शंकर। हमने यात्रा 3:30 बजे स्टार्ट करी थी और अब 5 बजने वाले, 5 बज गए ऑलमोस्ट देन। और पता नहीं हमें रास्ते में रात को कितना टाइम लग जाए वहाँ पे, शायद 1-2 बज सकते हैं। और पहाड़ों के 1-2 बजे आप इमेजिन भी नहीं कर सकते क्या होगा यहाँ पर। अंधेरा, टॉर्च लेके हम चल रहे होंगे। इतने मुश्किल ट्रैक पर ये लोग उनको लेके आ रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा। देख रहे हैं इनके पैर भी फिसल पट्टे लाने वाले। ना चिंता ना भय, बोले कि जय जय हो। यहाँ आ गए हम, चले चलो चले चलो बड़े चलो। सब कुछ मिला रे बोले रहमत से तेरी, देखो कितनी अच्छी बात लिखी हुई है। यात्रा पर जाते समय मन में गंदे विचार ना लाए तो याद रखना सभी, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर आप ऐसा करोगे तो आपके साथ कुछ ऐसा होता है यहाँ पे जो अदृश्य होता है। और अभी शाम के 6 बज रहे हैं और हम ट्रैकिंग कर रहे हैं अभी भी। यहाँ की भी व्यू देखो आप, यहाँ का ऊपर वहाँ बैठे हैं हमारे महादेव। चलो चलते हैं। और ये रास्ते में हमारे लंगर की व्यवस्था हुई पड़ी है, लंगर की कोई कमी नहीं है। आप जो खाना चाहते हो ना वो आपको यहाँ पे मिलेगा, आपको डोसा से लेकर इडली सांभर रसगुल्ले सब मिल रहे हैं आपको, देख लो खाने की कोई कमी नहीं। सो गाइस वहाँ पे वो जहाँ बादल दिख रहे हैं बस उससे पीछे है हमारे भोलेनाथ जी, उससे पीछे जाना अभी भी। हाँ जी। डैम टाइट।
कहते हैं ना आसानी से नहीं मिलते शिव जी, इतने आसानी से नहीं मिलते, सच्चा ये। चलो भाई इनकी भी जय हो, कितने ऊपर आ जाते हैं खच्चर भी पशु भी। चलो चलते हैं, करना तो पड़ेगा। जय शंकर महाराज। तो ये सीधा ग्लेशियर से मेल्ट होके वाटर आ रहा है बिल्कुल वाइट, और सच में बहुत ठंडा है, बहुत ठंडा पानी है। अब हम आपको इसको पास से दिखाएंगे, बहुत ही बहुत प्यारा व्यू है ये। इनको ठंडा करने के लिए, कोल्ड ड्रिंक को ठंडा करने के लिए ये पानी ही काफ़ी है, इतना ठंडा है। ओ भाई तुम यहाँ भी ले गए खच्चर को, अनबिलीवेबल, मेरी सोच से परे है। तो गाइस देख सकते हो आप, 7:30 हो गए हैं और अब धीरे धीरे इन वादियों में पूरी रात हो जाएगी। जय शंकर महाराज की जय। डर तो नहीं लग रहा, काल भी उसका क्या बिगाड़े जो वक्त हो महाकाल लगा, क्या बात है। तो रात का सफ़र देखो, हमें टॉर्च वगैरह, मोबाइल की फ्लैश, ये सारी चीज़ें जला के यात्रा करनी पड़ेगी। तो बने रहे, शंकर है तो किस बात का डर है।